तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोबारा से खेलेंगे ड्यूर थेफ्ट वॉर्स। और भाई मेरी अफवान कहाँ जा रही है? अरे अफवान रुक यार, थोड़ी सी तो शर्म कर, तेरा ना रूम है। अच्छा गाइज, आज हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर को किल। आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा, क्योंकि गाइज हमें लगा कि पुलिस इस हाथ के पीछे है। हालांकि पुलिस ही तो हाथ के पीछे है, लेकिन भाई सबसे बड़ा हाथ तो पीछे जो है वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का है। उसी ने उन सबको फोर्स किया था। और भाई 5 लाख डॉलर दिए थे। और भाई क्या कहते हैं, उन्होंने ना हमें भी चोरी चुपके हमसे भी पैसे लेने की कोशिश की है। लेकिन भाई रिची तो सही अच्छा बंदा है। ओके गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि जो रिची की लैम्बोर्गिनी है वो उधर ही पड़ी है, लेकिन रिची की अफवान नहीं मिल रही। तो गाइज रिची ने कहा कि भाई अफवान तू ही ले ले, क्योंकि खुद आप ही ले लो, यानी क्योंकि अफवान ना मुझे मेरी लैम्बोर्गिनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका गिफ्ट भी। तो भाई उसने भाई मुझे खुश कर दिया यार, दोस्त हों तो ऐसे। तो गाइज अभी इन पुलिस वालों को मारता हूँ, क्योंकि भाई इन्होंने भाई सही ही किया और सही नहीं किया हमारे साथ। और गाइस उसके बाद हम पीएम को मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं गाइस, पीएम के कुछ बंदे हैं, हमें पहले उन्हें धूल चटाना होगा। अभी वो आएंगे एयरपोर्ट से इधर, तो हम ना सीधा उनको मार के ना उनकी हालत बुरी कर देंगे। तो अभी वो एयरपोर्ट से आएंगे और सीधा कब्रिस्तान में जाएंगे और वहाँ पे भाई नाचेंगे, क्योंकि भाई उनको तो लगता है कि वो बड़े काम के हैं। और भाई अभी उन तीनों लोगों को मार के हम सीधा जाएंगे जिम पे, और भाई वहाँ पे ना कुछ पीएम के बेस्ट साथी और ये कहाँ गया। तो भाई पुलिस वालों को अभी खबर नहीं लगनी चाहिए। तो भाई अभी इनको मारते हैं और यहाँ पे ये पैसे मिल गए, चलो अब बहुत अच्छा हुआ। अभी हम जाएंगे सीधा पीएम वाले लोगों के पास। खैर गाइस, अभी पहले हम एयरपोर्ट पे जाएंगे। एयरपोर्ट पे अगर देखेंगे कि वो आए हैं या नहीं, अगर भाई नए आए हो तो हम वेट करेंगे। वैसे उन्होंने 1 घंटे में आ जाना था और अभी तक 1 घंटा हो गया, तो मेरे ख्याल से वो आ गए होंगे। और भाई ये मैं अभी ऐसे ये करते हैं, ये है ना भाई कुछ MLG टाइप का, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई। तो अभी हम सीधा जाएंगे वहाँ पे। भाई पहले यहाँ से हम सीधा मुड़ेंगे, ध्यान से भाई कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। ओ भाई टक्कर गिननी मारनी भाई, ओ भाई ध्यान से भाई। अच्छा अभी हम सीधा जाएंगे आगे, और मैं सोच रही हूँ अभी व्हाइट हाउस चलते हैं, पता चले वो लोग व्हाइट हाउस में ही हों या पीएम व्हाइट हाउस में हो। लेकिन भाई जो पीएम के बेस्ट साथी हैं ना, जो भी कब्रिस्तान जाके नाचेंगे, वही पीएम की असली प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। पीएम उनको हर वक्त खबर होती है कि पीएम क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी अगर हमने उनको नहीं मारा और हमने पीएम को मार दिया, तो भाई या हमें तो उम्र कैद हो जाएगी, फिर भाई हम हमेशा के लिए हो जाएंगे। फिर भाई रिची को तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि रिची को और केरल को मैं और खपाऊँ। खैर मैं क्या कह रहा था, हम सीधा व्हाइट हाउस चलेंगे चेक करने के लिए कि भाई वो वहाँ पे हैं या नहीं। खैर अभी मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे ब्रिज पे चलते हैं, व्हाइट हाउस शायद हमने चले गए ना व्हाइट हाउस, मुझे सही याद नहीं आ रहा अभी। खैर अभी हम जाएंगे ब्रिज पे और वहाँ से देखेंगे वहाँ पे। और ओ भाई ध्यान से कुछ नहीं होने वाला। अरे यार, एक तो मुझे गाड़ी चलानी आती भी नहीं, मैं सब बेइज्जती करते हैं कि गाड़ी नहीं चलानी आती भाई, टकने मारते रहते हो। तो भाई अभी जल्दी हम चलेंगे एयरपोर्ट पे चेक करने के लिए। भाई उनका एक प्राइवेट अलग से जेट है भाई, वो आते हैं उधर प्राइवेट जेट पे, और भाई सही अमीर और मालदार लोग हैं। पीएम के पास 2 लैम्बोर्गिनी हैं, 3 बुगाटी हैं, 1 सुप्रा और 2 रोल्स रॉयस हैं। तो भाई उसके जो लोग हैं ना, वो तो इनसे भी ज़्यादा अमीर हैं भाई। वो टैक्सीज का पैसा ले लेते हैं और ऊपर से उसको खाते हैं। और भाई उनके पास 3 बड़े बंगले हैं, हर एक उसके साथी उनके साथी के साथ। और भाई और तो और
वहाँ पे उनके पास इतना पैसा है कि भाई उड़न का, और भाई उनके पास जो गाड़ी है ना वो 3 स्पोर्ट्स कार हैं और दो क्या कहते हैं वो जीप्स हैं, और भाई वो भी जीप सही आर्मर्ड यानी सही चला उनको। तो भाई अभी अरे यार ध्यान से भाई, तो गाइज अभी यहाँ पे ना वो उनका सीक्रेट जगह है जहाँ पे ये आते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर वो यहाँ पे तो नहीं आए, अगर यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे सीधा उनको ढेर करके हम लोग जाएंगे। खैर भाई अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छे खासे से मैं चेक कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई भी नहीं मिल रहा, और मिलेगा भी क्यों भाई, वो इधर होंगे ही नहीं, मैंने कहा था वो कब्रिस्तान जाएंगे। भाई मेरा ना एक हैकर दोस्त है, उसने मुझे बताया था, यानी बाकी सिटी के लोगों को इनफेक्ट रीची और किरल तक को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है। तो यानी भाई अभी कब्रिस्तान जाते हैं। वैसे मुझे सिटी का सब कुछ याद है चप्पा चप्पा, क्योंकि भाई मैंने ड्यूर थर्ट वर्स बहुत बार खेली हुई है, लेकिन भाई मैं वैसे ही मार्क्स लगा लेता हूँ क्योंकि भाई कभी कभार भूल जाते हैं ना। और भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी सीधा पार्क करते हैं और अभी इनको मारते हैं। मैं अपनी एक बल्ला निकाल लेता हूँ, ये अभी, और भाई वो जो नाचने वाला है ना लीड में, वो लीड है यानी वो सबसे लीड वाला है ये जो होते हैं। ओ भाई मर गया, चलो भाई इनके पैसे दो, बड़ा पैसे लूटते हैं ये। और भाई अब आप भी, ये पक्का मुझे मारेगा, ये कोई डरता वरता नहीं है, लेकिन इनको मुझे मेरा पता नहीं है ना। इधर आ, इधर इधर, और ये भी ले भाई, देखो और हर कोई पैसा गिरा रहा है यार, कितना लूटते हैं ये लोगों को टैक्सेस से, और बिजली भी नहीं देते भाई, बहुत ही बुरे लोग हैं भाई, बहुत ही बुरे लोग हैं यार, इनको थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। और भाई इसे हम मारेंगे नहीं, इसके लिए हमारी गाड़ी काफ़ी है भाई, हमने लीडर को मार दिया ना, तो अब इनको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे यार कैसे लोग हैं, मरने के बाद भी नाचते रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो भाई अभी यहाँ पे किसी पीएम को पता ना चले कि मर्डर मैं ही, वैसे पीएम को पता ही कैसे चलेगा, वो तो अभी खुद मरने वाला है। तो अभी हम सीधा जाएंगे ब्रिज से एयरपोर्ट, और वहाँ पे एक और बार चेक करेंगे कि भाई अगर उनका एक साथी है भी या नहीं। वैसे मुझे हैकर दोस्त ने कहा था कि बस 3 ही साथी आएंगे, लेकिन भाई हैकिंग में कभी गलत हो जाता है, इसलिए मैं अभी देख के आऊँगा एयरपोर्ट पे। क्या मुझे उस पे सिर्फ 99.9% ट्रस्ट है, बाकी जो 1.1 है ना ट्रस्ट जो है ना, वो मैं भाई उस पे नहीं करता। हो सकता है वो भी उसका बंदा ही हो, लेकिन भाई अगर वो उन्हीं का ही बंदा होता तो वो बताता, तो वो भाई हमें गलत स्टेटमेंट बताता और पीएम को इन्फॉर्म भी कर देता। लेकिन यार हो सकता है उसने कर दिया हो ताकि मैं जेल जा सकूं। वैसे मेरे भी दोस्त कुछ कम नहीं है, वो अभी मुझे ऐसे छुड़ाएंगे ना उनका कि भाई पीएम ना, हम में से किसी को भी, हम तीनों को भी, हम किरल रीची और उसके दो साथियों को भी अरेस्ट कर लेगा ना, तब भी उनको कुछ भी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि भाई हम ना किसी ना किसी तरह तो निकल ही जाएंगे, और भाई हम यहाँ के सबसे बड़े वो क्या कहते हैं अमीर भी हैं, सेकंड लास्ट पे आते हैं पता नहीं क्यों। तो भाई हमारे नीचे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, और भाई उनको तो मेरे दोस्त हैकर का पता भी नहीं है, तो बाई चांस वो पकड़ेंगे भी कैसे, और हैकर तो उनको हैक करके ही छोड़ेगा। खैर पिछली बार जब मैं जेल गया था ना, तो रीची और किरल ने और उसके दो साथियों ने मुझे अकेले बचाया था। वैसे गाइस उन दो साथियों का मैं क्या नाम रखूँ, उन दो साथियों का नाम मैं रखता हूँ चंगू बंगू। तो चंगू वो रेड वाले और बंगू वो शायद ब्लू वाले, वो जो बैठ के नाच रहे होते हैं। तो भाई चंगू बंगू ने भी हमारा बहुत साथ दिया है इस बार। और भाई पैसा कहाँ है भाई, भाई पैसा दो भाई, भाई यार कहाँ है भाई, मुझे पैसे अच्छा वो रहे अरे यार मुझे एक तो नज़र भी नहीं आते, अरे अभी मैं, अरे लगते इनको पता चल गया कि मैं ही हूँ। ओ भाई अभी तो इस तरह मैं पीएम को मार ही नहीं सकता, चलो मैं थोड़ा इनसे इसके वे हो जाता हूँ, उसके बाद पीएम को धूल चटाएंगे, देखते हैं कि पीएम, ओ भाई स्केपिंग होने वाली है, चलो भाई आराम से कोई फिक्र की बात नहीं है, टेंशन की, और यहाँ से सीधा निकलो और जिम पे चलो। गाइस अब आप बोलेंगे पुलिस वाले भी जिम पे आए थे पीएम, तो गाइस इनकी ना पूरी पार्टी है, ये ना इस जो भी जिम में आते हैं ना उन सब से भाई ये लोग 3,000 4,000 रुपये लेते हैं भाई। एक बार मैंने
किया मैंने, तो भाई इसलिए ना इनकी ये सबसे मेन फेवरेट जगह है, यहाँ पे हर कोई होता है। और भाई आज पीएम का आने का दिन था तो मैंने सोचा क्यों ना, और भाई हथियार वथियार निकाल लेते हैं। और भाई मास्क पहनने की मुझे ज़रूरत है नहीं क्योंकि इनमें से कोई बचेगा तो है नहीं। तो भाई ये पीएम है, ये नहीं और ये देखो इसके लोग। तो गाइस ये वाला पीएम है, ये जो बॉक्स ये जो कर है ना, ये वाला पीएम है भाई। रेडी रहे यार मरने के लिए। ओ मारने पे उतर आया, ओ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ भाई, काफ़ी चला के दिखा, गुस्सा रहा है इसको, तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई मेरी F1 कहीं जा रही, छोड़ो यार क्या ही हो जाएगा। और ये भी बंदा मर गया, चलो अच्छी बात है यार। एक तो ये पैसे देते भी नहीं है ना, ये गरीब लोग हैं ये। और ये ले, ओ भाई कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, इधर आ इधर आ, ऐसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भाई, तुमने मुझे अरेस्ट करवाया है। खैर गाइस इसके बाद हम इनसे दुश्मनी तो छोड़ेंगे। और गाइस मैं और गाइस अगर यहाँ पे अगर मैं इनको डिफ़ीट कर देता हूँ तो भाई पीएम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भाई पीएम को अगर कोई डिफ़ीट कर ही नहीं सकता। तो बाय चांस अगर मैं पीएम को डिफ़ीट कर देता हूँ तो भाई देख ये को, तो भाई ये चीज़ हो जाएगी कि अगला पीएम तो मैं ही बन जाऊँगा, पता नहीं अगर क्योंकि भाई अगर मैं पीएम को डिफ़ीट, क्योंकि भाई पीएम का जो हाउस होता है और जहाँ पे वो होता है वो सबसे सेफेस्ट जगह है। तो कुछ कहना तो इसका मतलब यही हो सकता है ना कि नेक्स्ट पीएम मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर नेक्स्ट पीएम मैं बन गया तो सब कुछ मेरे अंडर रूल आ जाएगा, और फिर भाई सही मज़ा आएगा भाई। अभी तुम मरो ये और भाई मारो मारो इसे मारो, इसके लिए ना मेरा बॉम्ब भी काफ़ी है। ये और ये और नहीं ये नाचने वाला बॉम्ब, और फिर ये मारने वाला। ओ भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, ओ नहीं 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 मैंने अपने आप को ही मारना है, नहीं है ना यार। अरे वो इधर ही भागा होगा, इधर ही कहीं होगा, आ गया। ये रहा हमने आपको समझते क्या तुम हैं, अभी तुम्हारी लगाता हूँ। ये और ये शुरू कर दो भाई, गन मारना शुरू। अरे भाई कुछ ध्यान से इतना नहीं मारूंगा, बस ये कोई थोड़ा सा ही शॉट वॉट लगेगा। और भाई यहाँ से पैसे उठा लेते हैं, ले लेते हैं। और गाइस इस लास्ट बंदे को भी मारते हैं उतारते हैं। और भाई ये ले, तेरे लिए तो मेरा बल्ला ही काफ़ी है। और भाई मारो 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 मारो। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं, खैर वो तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा गाइस क्या मैम हम पीएम बनते हैं या नहीं। और फिर भाई हमारी कंट्री में सुकून आ जाएगा, फिर भाई हम रिची को भी कोई अच्छा अच्छा सा रोल देंगे, इन्होंने हमें जेल में डाला था ना, अभी इनको फिर अपनी औकात भी पता चलेगी। खैर पता नहीं गाइस कितने दिनों के लिए हमें ये पीएम बनाते हैं और कितनी देर के लिए रखते हैं। खैर मैं हम अब तो मुझे पक्का यकीन है ये न्यूज़ फैल जाएगी और पीएम भी मैं ही बनूंगा भाई। फार्मूला को उठाते हैं F1 को। और गाइस अभी चलते हैं, अरे भाई पुलिस दोबारा सर्च कर रही है, अरे यार स्पीड पकड़। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मैं आपसे मिलूँगा अनदर वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।